कुछ चीजें कैसे दिखती है अलग कंट्री पे, आखिर कैसे ये चीटिया लैम्बोर्गिनी से 2 गुना स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, क्या आपको मालूम है ये जो सिंपल सा ओरियो का डिजाइन है इसे बनाने में कितना साल लगा, आखिर क्यों सनग्लासेस को पहली बार इन्वेंट किया गया था, आखिर कौन सी कंट्री पे जींस बैंड है और इसे पहनना इल्लीगल माना जाता है। जानेंगे सब कुछ, तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नंबर 16, जींस जो की एक कॉमन फैशनेबल क्लोथ है पूरे वर्ल्ड वाइड पे और हर कोई इसे पहनता है, क्या आपको मालूम है ये जो जींस क्लोथ है ये पूरी तरह से एक कंट्री पे बैंड है, उस कंट्री का नाम है नॉर्थ कोरिया। यहाँ पे जींस पहनना इल्लीगल माना जाता है और इस कंट्री में जींस पहनना पूरी तरह से बैंड है, कमाल है यार। नंबर 15, रोड्स, ये है एक सिंपल सा रोड जहाँ पे गाड़ियाँ आना जाना करता है, तो अभी मैं आपको एक ऐसा रोड दिखाने जा रहा हूँ जो इन सभी रोड से बहुत अलग है, तो ये जो सबसे अलग और अनकॉमन रोड्स है ये मौजूद है जापान पे। तो जापान पे अगर आप एक स्पीड लिमिट तक अपने कार को ड्राइव करोगे तो उसके जो रोड्स है उसे कुछ इस तरह से बनाया गया है टेक्नोलॉजी की मदद से, उस रोड्स में म्यूजिक बजता है, तो इस रोड का डिजाइन कुछ इस तरह का किया गया है। क्या टेक्नोलॉजी लगाया है यार ताकि लोग अपना कार स्पीड लिमिट को क्रॉस ना करे, जापान में एक ऐसा टेक्नोलॉजी भी मौजूद है स्पीड लिमिट को कंट्रोल करने के लिए ये बनाया गया है। नंबर 14, ओके, जो कि एक सिंपल सा वर्ड है और हम इसे डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो क्या आपको ओके का मतलब पता है? तो ओके का मीनिंग है ऑब्जेक्शन किल्ड। नंबर 13, चीटी, जो कि एक सिंपल सा और एक छोटा सा इंसेक्ट, तो क्या आपने कभी भी ये नोटिस किए हो कि ये चीटी कितना स्पीड से भाग सकता है? क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है तो हमें नजर नहीं आता है कि ये कितना स्पीड से भाग सकता है, तो अगर ये चीटी हमारे जितना साइज हो जाए तो ये लैम्बोर्गिनी से 2 गुना स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये अपने साइज के मुकाबले में कितना स्पीड से भागता है। नंबर 12, ये है एक आईफोन और इसे तो हर कोई जानता है इसका डिजाइन ऐसा होता है, तो ये तो हो चुका एप्पल का नया मॉडल, पर क्या आपको पता है कि पहला जो एप्पल का फोन था उसका शेप डिजाइन कैसा हुआ करता था? तो पहला जो आईफोन का शेप था वो लिटरली एक पूरा एप्पल ही था उसका डिजाइन, मतलब कमाल है यार, एक पूरा एप्पल ही उसका पहला डिजाइन हुआ करता था। नंबर 11, जब भी कोई ठंडा पानी या फिर कोई गर्म पानी को कहीं पे डाला जाए तो जो ह्यूमन है वो सिर्फ सुन के डिफरेंस पता कर सकता है कि पानी गर्म है कि ठंडा, मतलब ह्यूमन सिर्फ सुन के ये डिफरेंस पता कर सकता है कि जो पानी पोर किया गया है वो ठंडा है कि गर्म है। नंबर 10, ये है एक ओरियो का बिस्किट, तो ये जो ओरियो बिस्किट का डिजाइन है क्या आपको मालूम है कि इसे बनाने में पूरा 4 साल लगा है इसका डिजाइन को सिर्फ बनाने के लिए, मतलब गजब है यार, कितना आइकॉनिक डिजाइन है ये। नंबर 9, ये है एक कैलकुलेटर जिसे हर एक इंजीनियर या फिर कोई बिजनेसमैन यूज करता है, फैक्ट ये है कि जो 71% इंजीनियर है वो अपना कैलकुलेटर का जो फर्स्ट आंसर है उसे बिलीव नहीं करता है, मतलब अपना कैलकुलेटर का पहला आंसर को दोबारा से रीचेक करता है। नंबर 8, हम इंसान अपना ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, तो जो ये स्कॉर्पियन यानी कि जो ये बिच्छू होता है ये अपना सांस को 64 डेज तक होल्ड करके रख सकता है, मतलब गजब है यार, जहाँ पे इंसान 1 से 2 मिनट से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता है वहाँ पे बिच्छू 64 डेज तक होल्ड करके रख सकता है। नंबर 7, एक एड आखिर कितना लंबा हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा एक टीवी एड 4 से 5 मिनट तक ही हो सकता है, और दुनिया का सबसे लंबा एड लिटरली 14 आवर्स का था, गजब है यार, इतना लंबा एड। नंबर 6, ये है एक नॉर्मल सा इरेजर जो कि हम हर कोई यूज करते हैं, तो जापान का जो इरेजर है कुछ इस तरह से ट्रांसपेरेंट डिजाइन किया गया है ताकि कुछ मिटाने का समय हम देख सके कि हम क्या मिटा रहे हैं, तो ताकि आर पर हम लोग देख सके, तो इसी कारण इस इरेजर को बनाया गया है। नंबर 5, चाइना में जो परेड करते हैं और उसका जो पॉप्स होता है, ताकि वो परेड करने का समय हमेशा स्ट्रेट रहे वो अपने गला पे कुछ इस तरह सा एक पिन लगा कर रख देता है, अपना गले का एंगल को मेंटेन करने का टेक्निक। नंबर 4, पोटेटो चिप्स, जिसे हम बहुत मजे से आराम से खाते हैं, तो पोटेटो चिप्स खाते हुए क्या आपने कभी भी ये सोचे हो कि ये जो चिप्स हम खा रहे हैं ये हमारे बॉडी के लिए कितना हेल्दी या फिर अनहेल्दी हो सकता है? इसे तो हम बहुत मजे से खाते रहते हैं, पर आपको ये जानकर हैरानी होगा कि ये जो पोटेटो चिप्स होता है ये अलग फूड्स के मुकाबले सबसे ज्यादा अनहेल्दी फूड माना जाता है। तो एक स्टडी से ये पता चला है कि ये पोटेटो चिप्स सबसे ज्यादा वेट गेन करता है। नंबर 3, ये जो स्नेल्स होता है इसका माउथ पे तो हजारों दांत होते हैं, पर क्या आपको मालूम है कि इसका जो टीथ है वो कितना स्ट्रांग होता है? पूरे अर्थ पे बायोलॉजिकली सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट स्नेल का दांत को ही माना जाता है, पूरे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल है, तो उन लोग का विथस्टैंड प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो एक कार्बन
कार्बन को डायमंड में भी बदल सकता है। नंबर टू, चाय, जिसके बिना सुबह नहीं होता और चाय के बिना सुबह अधूरा। इंडिया में तो सबसे ज्यादा पॉपुलर चाय ही है, तो फैक्ट ये है पूरे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाला ड्रिंक पानी के बाद चाय ही है। तो आप समझ सकते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड चाय को कितना ज्यादा मात्रा में कंज्यूम किया जाता है। दुनिया का सेकंड नंबर पे आता है चाय, और ये तो सबसे ज्यादा इंडिया पे ही पॉपुलर है, जिसके बिना इंडियंस का तो सुबह ही नहीं होता है। नंबर वन, सनग्लासेस, जो कि एक फैशन बन चुका तो है। तो क्या आपको ये मालूम है कि इन सनग्लासेस को आखिर क्यों बनाया गया? तो सनग्लासेस को आखिर इसलिए इन्वेंट किया गया था ताकि जो जजेस है वो अपना चेहरा का एक्सप्रेशन को छुपा पाए। अपना फेस का एक्सप्रेशन को छुपाने के लिए सनग्लासेस को इन्वेंट किया गया था, और ये आजकल तो एक फैशन ही बन चुका है। तो आज का वीडियो इतना था, कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।